दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी है। इसी बीच शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में प्रदूषण के मुद्दे पर सुनवाई हुई। इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर करते हुए केंद्र सरकार को फटकार लगाई। साथ ही कोर्ट ने सरकार को प्रदूषण से निपटने के लिए तत्काल उपाय के तौर पर 2 दिन का लॉकडाउन लगाने की सलाह भी दी। चीफ जस्टिस एनवी रमना ने कहा कि मैं ये नहीं बताना चाहता कि प्रदूषण पर पराली जलाने का कितना असर है और बाकी पटाखे, वाहन, डस्ट और निर्माण का योगदान है। आप हमें बताएं कि प्रदूषण पर नियंत्रण के तत्काल उपाय क्या हैं। सीजेआई ने कहा कि अगर संभव हो तो 2 दिन का लॉकडाउन लगा दें। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई सोमवार सुबह 10:30 बजे तक के लिए टल गई है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और सभी राज्यों को प्रदूषण कम करने के कदमों पर आपात बैठक के लिए गए फैसले के बारे में जानकारी मांगी है। सीजेआई ने केंद्र से कहा कि आपकी ऐसी धारणा है कि पूरे प्रदूषण के लिए किसान जिम्मेदार हैं। आप आखिर पटाखों और वाहनों के प्रदूषण पर गौर क्यों नहीं किया। सुनवाई शुरू होने के बाद दिल्ली सरकार की ओर से पेश वकील राहुल मेहरा ने हलफनामे में देरी के लिए बेंच से माफी मांगी। उस पर सीजेआई ने कहा कि कोई बात नहीं, कम से कम कुछ सोच तो है। वहीं केंद्र सरकार की तरफ से एसजी तुषार मेहता ने कहा कि हमने भी डिटेल हलफनामा दाखिल कर दिया है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट ने प्रदूषण के बढ़े हुए स्तर पर चिंता जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के वकील तुषार मेहता से कहा कि प्रदूषण का स्तर बेहद खराब हो गया है, लोग अपने घरों में मास्क लगाकर बैठ रहे हैं। केंद्र सरकार की तरफ से प्रदूषण को रोकने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए। सीजेआई ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या पराली को लेकर क्या कदम उठाया है। इस पर केंद्र की ओर से कोर्ट में चार्ट पेश किया गया। इसमें प्रदूषण को लेकर उठाए गए कदम की जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी गई। कोर्ट ने पराली हटाने और सब्सिडी को लेकर सॉलिसिटर जनरल से जानकारी मांगी, पूछा आखिर किसानों को क्या नुकसान हुआ है। जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि समस्या की गंभीरता के बारे में देखिए, कोरोना के बाद स्कूल खोले गए हैं, छोटे बच्चे घर से 7 बजे स्कूल जाते हैं। वहीं आपको बता दें, डॉक्टर गुलेरिया ने हाल ही में कहा था कि प्रदूषण महामारी और डेंगू जैसी समस्याएं हैं, ऐसे में हमारे छोटे बच्चे इनका शिकार हो रहे हैं। सीजेआई रमना ने केंद्र से कहा कि हालात कितने खराब हैं आप जानते हैं, पराली जलाने के हालात खराब हुए हैं, इसे रोकने के लिए सरकार क्या कदम उठा रही है। इस पर तुषार मेहता ने बताया कि केंद्र सब्सिडी पर मशीनें दे रही है। वहीं आपको बता दें, जस्टिस सूर्यकांत ने पूछा कि इनका रेट क्या है, पराली और कचरा प्रबंधन की मशीनें कितनी महंगी हैं, किसान उन्हें खरीद नहीं सकते। मैं किसान हूँ, सीजेआई भी किसान है, हम जानते हैं कि क्या होता है। इस पर तुषार मेहता ने कहा कि 80% सब्सिडी दी जाती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि केंद्र किसानों से पराली लेकर उद्योगों को क्यों नहीं देता। कोर्ट ने केंद्र से हरियाणा में बायो डिकम्पोजर इस्तेमाल करने वाले किसानों और जमीन का प्रतिशत पूछा। केंद्र की ओर से आंकड़े पेश किए गए, लेकिन देखने वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जो 2 दिन के लॉकडाउन पर विचार करने के लिए कहा है, उस पर केंद्र सरकार क्या जवाब देती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।